मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये साल हम दोनों के लिए बहुत खुशियों का बाइस बने। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़िंदगी दे, सेहत याबी के साथ। सुनो मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, मैं चाहती हूँ कि नया साल तुम इतनी मज़बूत हो जाओ कि तुम्हें आंसू बहाने के लिए रात का इंतज़ार हो, तुम्हें इंसानों का इंतज़ार ना हो। तुम रात में अपने अल्लाह के आगे जा नमाज बिछा के, वुज़ू करके अल्लाह से अपने दिल की बातें बोलो, अपने गम शेयर करो, अपनी खुशियां शेयर करो सिर्फ अल्लाह के आगे। मैं चाहती हूँ तुम इतना मज़बूत बन जाओ, तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत ना पड़े सिवाय अपने माँ की। माँ से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं। मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, बेशक मैं अभी आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं आपसे बहुत दूर भी नहीं हूँ, मैं दिल से आपसे बहुत करीब हूँ। आज 6 रातें हो गई मैंने आपके बगैर गुजार दी, लेकिन कोई ऐसी रात नहीं है जिस रात मैंने आपको महसूस ना किया हो। हैप्पी न्यू ईयर मेरे मोहम्मद, मम्मा की जान। हम बस बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। दरवाज़ा जब लॉक होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई आ गया, और मुझे लगता है कि मेरा बेटा मोहम्मद आ गया। और इंशाल्लाह तुम आओगे, तुम मम्मी के पास आओगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, परेशान मत होना, ठीक है? तुम्हारी डेडी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो बस बिल्कुल परेशान मत होना। मम्मी तुमसे दूर है, समझना कि मम्मी बहुत बीमार हो गई थी इसलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड है कुछ टाइम के लिए, फिर वो आएंगी आपके पास। मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी आपके साथ हमेशा छोटी छोटी सेलिब्रेशन करती हैं, और हैप्पी न्यू ईयर की भी लास्ट ईयर की सेलिब्रेशन की थी मम्मी, डैडी एंड मोहम्मद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नहीं हूँ। आप जब पूरे 1 मंथ के थे, मम्मी ने हैप्पी न्यू ईयर भी बनाया था आपके साथ मिलके।